आधार पर ला रहा है, उस सतयुगी दुनिया में चलने के लिए आए हैं, तो आपका हम अभिनंदन करते हैं। तो अब आज भी हम देखते हैं कि लक्ष्मी नारायण देवताओं के मंदिर में हम सब भोग लेकर के जाते हैं, प्रसाद लेके जाते हैं, तो उसमें नशा का कोई चीज नहीं रखते हैं, बीड़ी तंबाकू गुटखा आदि आदि कुछ रखते नहीं है। तो हम अब हम देवता बनने जा रहे हैं तो हम कैसे नशा लेंगे? तो इसीलिए कोई अगर लेता है तो आज छोड़ करके बाबा के घर में जाए कि नहीं बाबा हम तो देवता बनेंगे, नशा नहीं लेंगे, रुद्रा एंटी एडिक्शन ड्रग, नशा नहीं करेंगे। भारत सरकार भी नशा के ऊपर बहुत काम करती है, भारत में बहुत सारी एनजीओ है, संस्थाएं हैं कि नशा के ऊपर काम करती हैं, लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिलता है। 10% 20% ज्यादा से ज्यादा 30% रिजल्ट मिलता है। और ब्रह्मा कुमारी में 7 दिन का कोर्स करने से, राजयोगी लाइफ स्टाइल अपनाने से 97% रिजल्ट मिलता है। ये बातें सरकार को जब पता लगी तो सरकार ने लेटर दिया कि सरकार भी भारत को नशा मुक्त बनाने की सेवा कर रही है, और आप ब्रह्मा कुमारीश्वरीय विश्वविद्यालय भी भारत को नशा मुक्त बनाने की सेवा कर रहे हैं, तो हम दोनों मिल करके करें। तो MOU साइन करने के लिए 4 मार्च को शास्त्री भवन में उन्होंने बुलाया, और MOU के टाइम में सोशल जस्टिस वेलफेयर डिपार्टमेंट के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर नाम बोल रहे हैं डॉक्टर